नमस्कार, मैं हूँ दीप और आप देख रहे हैं क्रिकेट स्पोर्ट्स न्यूज। आइए शुरू करते हैं क्रिकेट की खबर। नेपाली टीम को सेंट विंसेंट में खेले गए आखिरी अभ्यास मैच में विंडवर्ड वोल्केनोज के खिलाफ करारी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि नेपाल ने तीन मैचों की T20 सीरीज 2-1 से जीत ली। 206 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए नेपाल की टीम 17.2 ओवर में सिर्फ 138 रन पर सिमट गई और मैच 67 रनों से हार गई। नेपाल ने दो चौके लगाने के बाद तीसरी गेंद पर कुशाल बुटेल का विकेट गंवा दिया। अनिल शाह सस्ते में आउट हो गए, जबकि आसिफ शेख ने 11 गेंदों में 24 रन बनाए। रोहित पौडेल ने अपनी अच्छी फॉर्म जारी रखी और 36 गेंदों पर 53 रन बनाए। संदीप जोरा ने संघर्ष किया और 26 गेंदों पर 21 रन बनाए। करण केसी के 13 रनों के अलावा कुछ अल्ले बल्लेबाजों ने कोई खास योगदान नहीं दिया। गुलशन झा और प्रतीश जीसी शून्य पर आउट हो गए। इससे पहले विंडवार्ड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 205 रन बनाए। 11वें ओवर में उनका स्कोर 89/5 था, लेकिन डगलस और डेस्काटे ने छठे विकेट के लिए 67 रन की साझेदारी की। डगलस ने 32 गेंदों पर 56 रन बनाए, जबकि डेस्काटे ने 27 गेंदों पर 55 रन बनाए। थूपर ने अंत में 7 गेंदों पर 17 रन बनाकर घरेलू टीम को बड़ी पारी खेलने में मदद की। नेपाल के लिए कमल सिंह गैरी ने 4 विकेट लिए, सोमपाल कामी ने 3, जबकि करण केसी, सागर ढकाल और कुशल भुटेल ने 1-1 विकेट लिया। नेपाली टीम अब ह्यूस्टन जाएगी और T20 विश्व कप के आधिकारिक अभ्यास मैच खेलने से पहले ह्यूस्टन हरिकेन के खिलाफ कुछ अभ्यास मैच खेलेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। जय क्रिकेट।